गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा आपका वही सेम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ ए लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल और नॉन मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई मीन टू से दैट, कहने का मतलब यह हुआ, वो तरीका जिस तरीके से हम मन चाहे किसी मेटल को किसी और मेटल के ऊपर उसका लेप लगा दें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, कई बार हमारी फीमेल होती है, मम्मा है, बहन है, वाइफ है, कोई भी है, तो क्या करते हैं, वो गहने डालते हैं सोने के, तो टेबल कहते हैं आर्टिफिशियल, मनेरी की दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं आर्टिफिशियल दे दो, हमें चैन दे दो, अंगूठी दे दो, कांटे दे दो, कुछ भी होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल आर्नामेंट जो होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो किसके हों, गोल्ड के हों, सोने के हों। बेसिकली क्या हुआ होता है कि मेटल पर वो गोल्डन की एक लेयर लगाई होती है, गोल्डन मेटल की, जिससे वो हमें सोने के दिखाई देते हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा वो लेयर लगाई होती है उस पर गोल्डन की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप देखते हो अपने घर में, आप वॉश बेसिन होता है या गैस बर्नर होता है, जब नया नया होता है तो कितना अच्छा उसका वो होता है, बर्नर होता है, या टूटी जो होती है टैप होता है नलका, वो कितना अच्छा होता है। बेसिकली क्या होता है, वो चमक जो दिखाई देती है आपको, वो आर्टिफिशियल मेटल जो होती है उस पर लगाई होती है, जिस प्रोसेस से लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो कंडक्टिंग प्लेट्स या मेटल या रॉड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, द कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट्स आर रॉड्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर लीव द सेल, दैट इज सच टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड इलेक्ट्रोड। या इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मेटल रॉड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी टू मेक कंटेक्ट विद बैटरी। वो मेटल रॉड्स जिनको हम बिजली का प्रयोग हम बिजली में करते हैं बैटरी के साथ कंडक्ट करके, सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो आज हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं बनी ये पता ही नहीं बनती करते। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हवा जो है वो बिजली का क्या है, बैड कंडक्टर है, उसमें से बिजली पास नहीं हो सकती। तो आप इसको कैसे सिद्ध करोगे? बैटरी बल्ब ले लो, कनेक्ट कर दो उसको सेल के साथ और स्विच लगा दो, आफ्टर दैट फिक्स्ड सेफ्टी पिन्स करंट, उसके साथ सेफ्टी पिन्स को फिक्स कर दो, करंट फ्लो हो जाएगी, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। बट व्हेन आप सेफ्टी पिन को रिमूव करोगे तो उसके बीच क्या रह जाएगी, सिर्फ हवा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। हम आपको हिंदी में दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो आपने घर के अंदर, आपके घर में टेबल फैन है, शाम को पंखा लगाना है आपने, उसको प्लग लगा हुआ है, जब प्लग आप सॉकेट में लगाओगे तो फैन चलेगा, जब आप प्लग को सॉकेट में से बाहर निकाल दिया तो सॉकेट और प्लग के बीच आप कनेक्शन नहीं है, उसके बीच क्या रही है, सिर्फ हवा, तो आपका फैन जो है वो चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि हवा, सॉरी, प्लग और सॉकेट के बीच क्या रह गई, हवा। अगर हवा रह गई तो हमारा फैन चलना जो था वो बंद हो गया। इससे ये सिद्ध हो गई कि हवा के अंदर बिजली जो है वो पास नहीं हो सकती। इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट मोर। इट्स एनफ टुडे। थैंक यू।